तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ पांच ऐसी गलतियां शेयर करने वाला हूं जो मुझे लगता है वो करके मेरे बाल थिन आउट होना शुरू हो गए थे कॉलेज के दिन से ही, और मैं नहीं चाहता कि आप उन गलतियों को रिपीट करें। अगर आप कर भी रहे होंगे देन मेक श्योर यू अवॉइड इट। बट नाउ आई एम ट्राइंग डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माई हेयर यूजिंग मिनोक्सिडिल पीआरपी हेड स्टैंड्स, उसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं चैनल पर। क्रिएटिन के बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन इस वीडियो के अंत। तो पहले जो गलती है वो बहुत सारे लोग करते हैं, अभी भी करते हैं, वर्किंग क्लास पीपल दे स्टिल डू इट, हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन अच्छा ही नहीं होता है। इससे क्या होता है, अगर आपको पता होगा हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जनरेट होता है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी लूज आवर हेयर। जब हम छोटे हुआ करते थे हम घर का खाना खाते थे, जो हमारी मॉम बनाती थी हम वो खाते थे, बट एज वी ग्रो अप हमारे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं होता है ना। सो जो हम इजिली अवेलेबल होता है, सस्ता होता है, हम वो खाते हैं, वड़ा पाव, समोसा पाव, पिज्जा, बर्गर्स, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, एंड ये न्यूट्रिशन भी नहीं देता है हमारे बालों के लिए। तो फूड सच एज बीटरूट, कैरेट, आंवला, टोमेटोज, ये डीएचटी ब्लॉक करने में काफी मदद करता है। इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मेक श्योर यू चेक दिस वीडियो आउट। इससे आपका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा, आप फिट रहोगे, आपका स्किन कलर भी अच्छा रहेगा, आपका बियर्ड भी अच्छा आएगा और आपके बाल का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अब दूसरी जो गलती है, यार मैं अभी तक कर रहा था, यूजिंग हॉट वाटर सोप एंड हॉट ब्लो ड्राइंग ऑन योर स्कैल्प। तो ये जो गर्म पानी है ना और ये हॉट ब्लो ड्राइंग, दिस विल रिमूव द नेचुरल मॉइस्चर विच योर स्कैल्प जनरेट्स फॉर योर हेयर। तो इससे हमारे बाल फ्रिजी हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, एंड ओवर द ईयर्स वो ब्रेक हो जाते हैं। आप स्लोली एंड स्टडीली देखोगे कि आपके बाल थिन आउट हो रहे हैं। अगर आप सोप भी यूज कर रहे हो, अ लॉट ऑफ बॉयज डू यूज सोप ऑन देयर स्कैल्प ऑन देयर हेड, तो सोप आपके बालों के लिए नहीं बनाया गया है, शैम्पू बनाया गया है जिसके अंदर सल्फेट्स नहीं होते, पैराबेन्स नहीं होते, वो आप यूज कर सकते हो। सो मेक श्योर यू ट्राई अवॉइडिंग हॉट वाटर सोप एंड हॉट ब्लो ड्राइंग। अब तीसरी जो गलती है, मैं गलती नहीं कहूंगा यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, लड़कियों को इंप्रेस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम जेल यूज करते हैं, वैक्स यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे बालों में डैंड्रफ क्रिएट होता है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं विच स्टे ऑन आवर हेड फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ये हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इफ यू यूजिंग अ लॉट ऑफ जेल और हेयर प्रोडक्ट, ये डैंड्रफ क्रिएट करेगा, आपके बालों में इचिनेस होगा, इरिटेशन होगा, विच माइट लीड टू हेयर लॉस इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन। आपको एक दो महीने में दिखेगा नहीं रिजल्ट, बट इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, एक साल, दो साल, आप कंटिन्यूस यूज करते रहिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ यार मेरे बाल थिन आउट हो रहे हैं। सो इफ यू आर डूइंग दिस, ट्राई टू अवॉइड इट राइट नाउ। अब चौथी जो गलती है, ये बहुत सारे लड़के करते हैं छोटे उम्र से ही, और अब मैं जिम में जाता हूं वहां पर भी देखता हूं मैं बहुत सारे लड़के लोग पहनते हैं कैप्स। तो कैप क्या करता है, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स और स्कैल्प को ना पकड़ कर रखता है, एंड दिस बेसिकली लीड्स टू हेयर फॉलिकल मिनिएचराइजेशन, वो थिन आउट हो जाते हैं एंड दे डू नॉट ग्रो अ लॉट, ग्रो होने का चांस नहीं मिलता है, एंड देन फाइनली दे विल फॉल आउट। अगर आपको बालों का प्रॉब्लम है देन ट्राई टू अवॉइड यूजिंग हैट, अगर धूप रहेगा बाहर सो दैट टाइम यू कैन यूज इट, बट टाइट मत पहनिए उसे एंड ट्राई नॉट टू वेयर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। अब पांचवी जो गलती है, पहले आप सुन लो, गाली बाद में देना कमेंट सेक्शन में, कंज्यूमिंग क्रिएटिन। मुझे खुद को क्रिएटिन पसंद है, आई यूज टू कंज्यूम क्रिएटिन फॉर माई कॉलेज डेज इटसेल्फ, और ये काफी मदद करता है व्हेन इट कम्स टू मसल बिल्डिंग, लिफ्टिंग हैवी वेट्स इन द जिम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने रिसर्च भी पढ़ा था इसमें, कि क्रिएटिन कंज्यूम करने से डीएचटी इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप वो चेक कर सकते हो। इनफैक्ट मेरा खुद का कोच मुझे बोलता है कि क्रिएटिन कंज्यूम कर, यू कैन लिफ्ट हैवी, आई डू नो दैट, बट मुझे ऐसे लगता है अगर वो हेयर लॉस के लिए लीड कर रहा है आई विल ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके अलावा भी लाइक विदाउट क्रिएटिन ऑल्सो आई कैन लिफ्ट हैवी वेट्स इन द जिम। बाकी तो आपका कॉल है, आपको जो कंज्यूम करना है आप वो कर सकते हो। आपको एक बोनस मिस्टेक दे देता हूँ, जो छठवा जो मिस्टेक है, मैं इसके मिस्टेक नहीं कहूंगा, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम केयर नहीं लेते हमारे बालों का। अगर आप लड़कियों के साथ कंपेयर करें, लुक एट देम गाइस, वो खुद का कितना केयर लेते, लुक एट देयर हेयर, देयर बियर्ड, नहीं सॉरी, देयर नेल्स, देयर स्किन, वो सच दच के आते हमेशा, और हम लड़के हम केयर ही नहीं लेते खुद का, हम कच्चा पहन के जाते जब भी हमको नीचे जाना होता है। तो मेक श्योर यू टेक मोर केयर ऑफ योर हेयर, हफ्ते में दो बार ऑयलिंग कीजिए, हेयर मास्क अप्लाई कीजिए, एलोवेरा, योगर्ट, एग्स हफ्ते में एक बार आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छा शैम्पू यूज कीजिए खुद के लिए, ताकि आपका हेयर का कंडीशन, आपका स्किन का कंडीशन, आपका बियर्ड भी मेंटेन रहे। ट्राई टू हिट द जिम 5 times a week, 3 to 4 liters ऑफ वाटर कंज्यूम कीजिए और खुद का केयर लीजिए, आप ही की मदद होगी इससे। और मुझे ऐसे लगता है डर्मा रोलर ने ना मेरी बहुत मदद की है मेरे बाल वापस लाने में। अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे। उम्मीद करता हूं आप ये सारी गलतियों को अवॉइड करोगे, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा डू ड्रॉप अ लाइक, डू ड्रॉप अ कमेंट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसी के साथ ना मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा, मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, मच लव, गॉड ब्लेस यू ऑल।